सो हाई गाइस, आदर्श हियर। तो यार हमारी फिजिक्स के एग्जामिनेशन पे महज एक दिन या फिर एक दिन से थोड़ा सा ज्यादा हमारे पास वक्त है। अगर हम इन्हें घंटों में देखें तो तकरीबन हमारे पास 35 से 40 घंटे बचे हैं। और ये डर कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों के दिमाग में जरूर सता रहा होगा कि कैसे हम लोग फिजिक्स के एग्जामिनेशन में बस पास हो जाए। सता रहा है ना? सच बताना, सता रहा होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग वही चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे, कैसे हम लोग फिजिक्स के एग्जामिनेशन में पास हो सकते हैं, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि कैसे हम लोग फिजिक्स के एग्जामिनेशन पे अभी से मेहनत करके 35 से 40 मार्क्स लेके आ सकते हैं आउट ऑफ 70 मार्क्स। वीडियो को एक एक चीज को अच्छे से देखना, करते क्या हो, स्किप कर देते हो, अच्छी चीजों को छोड़ देते हो, उसके बाद बोलते हो कि भैया आपने चीजें नहीं बताई। तो यार हमारी फिजिक्स के एग्जामिनेशन में बेसिकली हमारे पास चार या पांच चीजें पूछी जाती है। क्या क्या पूछी जाती है? सबसे पहला है हमारा डेरिवेशन, दूसरा है हमारा डेफिनेशन, तीसरा है हमारा ग्राफ, चौथा हमारा आता है न्यूमेरिकल्स, पांचवा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, और छठा आता है हमारा ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि इस बारी हमारी स्टार्ट हुई है। अब क्योंकि आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो, किसी ना किसी तरीके से आप 40 45 या फिर 35 40 मार्क्स लाने की कोशिश कर रहे हो, आपकी ये वाली पार्ट, ये जो पार्ट है न्यूमेरिकल्स वाली पार्ट, ये वाली पार्ट आपकी वीक होगी। तो जो अभी वीकनेस है उसके ऊपर हमें ध्यान नहीं देना है, जो हमारी स्ट्रेंथ है उसे हम लोगों को उस वक्त उस चीज के ऊपर अभी हम लोगों को फोकस करना है। हम लोगों को कितना मार्क्स स्कोर करना है? 35 से 40 मार्क्स। दूसरी बात ये, हमारी जो डेरिवेशन आती है यार फिजिक्स के एग्जामिनेशन पे, वो तकरीबन 15 मार्क्स की आती है, 15 से 20 मार्क्स आप लोग समझ सकते हो। और जो मैंने एक पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, अभी मैं वीडियो के एंड में जाके बताऊंगा कि उस पीडीएफ को आप लोगों को यूज कैसे करना है, इसलिए बोल रहा हूं एक सेकेंड भी स्किप नहीं करना है वीडियो को, ठीक है? तो मैंने उस पीडीएफ में जितने भी डेरिवेशन है, पूरे क्लास 12th में जितने भी डेरिवेशन है, सारे डेरिवेशन को दिए, और वो सारे डेरिवेशन मिला के तकरीबन 50 से 52 आपके पास डेरिवेशन मिलते हैं। कितने डेरिवेशन मिलते हैं? 50 डेरिवेशन मिलते हैं। अब ये बताओ कि क्या आप 50 डेरिवेशन याद कर सकते हो अभी? अगर हाँ तो ठीक है, तब आप ये वाली जो चीज है, ये जो हमारी मार्क्स है 35 और 40 मार्क्स है, फिर मैं ये कह सकता हूं कि आपको पास होने वाला जो एक क्राइटेरिया है, आप अगर ये चीज कर सकते हो, 52 क्वेश्चन याद कर सकते हो, जैसे भी हो अगर आप कर सकते हो तो आप पास भी हो सकते हो, ठीक है? उसमें मैंने सारे डेरिवेशंस पे मार्क किया है, नई तरीके से मैंने उसमें मार्क किया है, ऐसे मैंने मार्क करके उसमें लिखा है मैंने DER डेरिवेशन। समझ में आ रहा है? अभी आप लोगों को क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके उस पीडीएफ को डाउनलोड करना है, और पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद जिस भी क्वेश्चन में मैंने DER डेरिवेशन लिखे हैं, उन क्वेश्चन को आप लोगों को सबसे पहले करना है। समझ में आ रहा है बात आप लोगों को? दूसरी बात हम लोग आते हैं, अब मैंने कल दिया था आप लोगों को एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अच्छा, ये बताने से पहले मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आप लोगों को दो दिन पहले दिए थे, तो जो भी ये वाली चीज को जिस बच्चे ने भी किया होगा, मैंने एक पीडीएफ बनाया था, उस पीडीएफ में मैंने लिखा था 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा था बराबर। तो जिन बच्चों ने भी इस चीज को कंप्लीट कर लिया होगा, उस बच्चे के 50 से 55 मार्क्स इजिली आ जाएंगे उन बच्चे के 50 से 55% मार्क्स। जिन बच्चों ने नहीं देखा है, उन बच्चों को तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में पास तो होना है, वरना हमारी एग्जामिनेशन में फेल की टैग लग जाएगी। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब मैंने एक और आप लोगों को पीडीएफ दिया था, जिसमें मैंने बोला था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने आप लोगों को, जिसमें एमसीक्यूज होगी, ट्रू फॉल्स होंगे, assertions, reasons होंगे, तो उन questions को कैसे करें? तो यार मैंने एक blueprint, जो इस बार की हमारी 2020 की जो blueprint आई है, उस blueprint को मैंने download किया। blueprint में मैंने ये देखा कि हमारी 1 marks की question, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, objective questions। तो objective questions कौन-कौन से chapter से सबसे ज़्यादा आ रहे हैं? तो उसमें से मैंने note किया, 1 chapter, 2 chapter, 3 chapter, 4 chapter और 5 chapter। टोटल आपके 9 chapters दिए गए हैं। उन 9 chapters में से 5 chapter ऐसे हैं जिससे ऑब्जेक्टिव आपका सबसे ज्यादा पूछा गया है। तो आप लोगों को क्या करनी है कि ये ऑब्जेक्टिव जो पीडीएफ मैंने दिया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पीडीएफ को आप लोगों को डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करके सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट प्लस मैग्नेटिज्म, ये वाली जो चैप्टर है, इसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करना है। दूसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करना है। तीसरा, ऑप्टिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करना है। चौथा, एटम्स एंड न्यूक्लियर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करना है। और पांचवा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जो सेमीकंडक्टर हमारी चैप्टर है, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप लोगों को करना है। बाकी बची हमारी इलेक्ट्रोस्टैट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ईएमआई एंड एसी, और ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, इनकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आप लोगों को अभी ध्यान नहीं देना है। रीजन में बता रहा हूं, 3 मार्क्स यहां पे बन जाते हैं आपके, 3 मार्क्स यहां पे बन जाते हैं 6, 3 मार्क्स यहां पे 9,
3 मार्क्स यहाँ पे 12 और 4 16 16 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 5 चैप्टर करने के बाद आपके बन जाते हैं। मैंने यहाँ पे क्या बोला, कितने क्वेश्चंस बन जाते हैं, 16 क्वेश्चंस। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी देर पहले बताया था कि वो डेरिवेशंस अगर आप कर पाते हो, 50 डेरिवेशंस अगर आप कर पाते हो, आपके कितने मार्क्स, 15 मार्क्स मिनिमम, 15 मार्क्स आपके वहां पे बन जाते हैं। 15 मार्क्स यहाँ पे और 15 मार्क्स हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पे बन जाते हैं। कितने मार्क्स हो गए, 31 मार्क्स हमारी पूरी हो चुकी है। तीसरा पीडीएफ मैंने दिया था जिसमें मैंने बताया था ग्राफ आप लोगों को करना है। अब ग्राफ के जो पीडीएफ है, उस ग्राफ की पीडीएफ आपको पता चलेगा तकरीबन 8-9-10 पेज की मैंने ग्राफ की पीडीएफ आप लोगों को दी है, और उससे क्वेश्चंस हमारे कितने आते हैं, 4 से लेकर 5 मार्क्स की क्वेश्चन आप लोगों को 100% वहां से देखने को मिलता है। 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन 100% देखने को मिलता है। और ग्राफ को याद रखना बहुत ज्यादा आसान है, आसान है कि नहीं है, ग्राफ को याद रखना बहुत ज्यादा आसान है। तकरीबन अगर आप सारे ग्राफ को मिला के देखोगे तो 50 ग्राफ होगी जिसको आप लोगों को याद रखना। सपोज तो 50 ग्राफ को अगर मैं याद रखता हूं, 5 मार्क्स मेरे आ जाते हैं। क्या आप ये कर सकते हैं? अगर आप कर सकते हो तो आप पास भी हो सकते हो। तो 4 या 5 मार्क्स मेरे यहां से भी हो गए। तो अभी तक हमारी क्या क्या कंप्लीट हो चुकी है, 15 मार्क्स के हमने डेरिवेशंस कर लिए, 16 मार्क्स के हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कर लिए, और 4 या 5 नंबर, तो 5 में लिख देता हूं, 5 नंबर के आपने ग्राफ भी कर लिया। आपके कितने हो चुके हैं, 36 मार्क्स हो चुके हैं, ऑलरेडी डन, 36 मार्क्स हमारे हो चुके हैं। अभी और मार्क्स आएंगे आपको, देखते चलो आपको आप कैसे पास होते हो और कैसे आप 40 से 45 मार्क्स लेके आते हो, अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगी। अभी कुछ देर के बाद जब मैं आप लोगों को स्क्रीन पे लेके जाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा कि किन चैप्टर्स को आप लोगों को स्किप नहीं करना है। समझ में आ रहा है? कल ये परसों मैंने एक चीज बताई थी जिसमें मैंने बोला था कि कौन से चैप्टर से सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हमारी न्यूमेरिकल्स आ सकती है। तो अगर आप उन न्यूमेरिकल्स को, ये जो 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहां मैंने लिखा, कल मैंने दिया था 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो अगर आप वो कर लेते हो तो उसमें न्यूमेरिकल्स भी आ जाती है आपकी, तो आपकी सारी चीजें कंप्लीट हो जाती है। अगर आप वो नहीं कर पाते हो तो अभी आप लोगों को ये वाली जो चीज है एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसके ऊपर आप लोगों को ध्यान नहीं देना है। इस वाली पीडीएफ को डाउनलोड मत करना। कौन कौन सी पीडीएफ को आप लोगों को डाउनलोड करना है, सबसे पहले 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले पीडीएफ को आप लोगों को डाउनलोड करना है। दूसरी चीज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाले पीडीएफ को आप लोगों को डाउनलोड करना है, और तीसरी चीज ग्राफ वाले क्वेश्चन पेपर को आप लोगों को डाउनलोड करना है। समझ में आ रहा है? और अभी आप लोगों को माइंड मैप के ऊपर ध्यान नहीं देना है। किसके ऊपर? माइंड मैप के ऊपर ध्यान नहीं देना है। और दूसरी चीज, पहला तो हो गया हमारा माइंड मैप और दूसरा हो गया हमारा एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर हम लोगों को ध्यान नहीं देना है। हम लोगों को बस 40-45 मार्क्स चाहिए, मुझे 70 मार्क्स नहीं चाहिए, ध्यान में रखना इस बात को, आपको बस 40 या 45 मार्क्स चाहिए। समझ में आ रहा है? अच्छा, हमारे जो अभी ये 5 मार्क्स की जो क्वेश्चन आती है, ये रही 2 और 3 क्वेश्चंस आती है। सबसे ज्यादा चांस किससे है? हमारी ऑप्टिक से है। दूसरा किससे है? हमारा ईएमआई और एसी से है। और तीसरा किससे है? हमारा इलेक्ट्रोस्टैट से है। अब मैं आप लोगों को पीडीएफ में लेके जाता हूं और पीडीएफ में मैं दिखाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को कि कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिसको आप लोग मिस नहीं कर सकते हो, कौन कौन सी टॉपिक ऐसी है जिसको आप लोग बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हो। ये जो हमारा ड्यूअल नेचर वाला चैप्टर है, एटम्स एंड न्यूक्लियाई की चैप्टर है, और सेमीकंडक्टर, 3 चैप्टर हमारी यहां हो गई, ईएमडब्ल्यू 4 चैप्टर। तो इन 4 चैप्टर जो मैंने, ये 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने दिए थे, इनमें से ये 4 चैप्टर ईएमडब्ल्यू, ड्यूअल नेचर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर, यहां पे जितने भी क्वेश्चंस हैं, सपोज अगर ये चारों चैप्टर मिला के आपके 40 क्वेश्चंस हैं, इन 40 क्वेश्चंस को आपको एनी कंडीशन पे भी करना है। तो यार मैंने आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में, सारी की सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ग्राफ्स प्लस माइंड मैप, इसकी लिंक मिलेगी। उसके बाद इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इसकी भी लिंक मिलेगी। 215 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके साथ पीडीएफ और आंसर ये मिलेगा, और एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगी। इसमें से सबसे पहले आप लोगों को 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करनी है। इसे मैंने अपडेट किया है, जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये वाली वेबसाइट आपकी खुलेगी। अब जो भी बच्चे बोल रहे हैं कि मेरे से इसकी जो पीडीएफ है वो नहीं डाउनलोड हो रही है, देखो ये डाउनलोड 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन फिजिक्स दिख रहा है, इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो देखो यार यहाँ पे हमारी ये वाली साइट जो है, थोड़ी इंटरनेट स्लो है, ये देखो हमारी साइट जो यहाँ पे खुल जाएगी। ये आपकी पीडीएफ है, 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली पीडीएफ आपके सामने यहाँ पे ये खुल चुकी है, ठीक है। अच्छा, इसमें से क्या क्या चीजों को करना है, यहाँ पे देखो यार मैंने मार्क करके रखा है डेरिवेशन, ये लिखा है ना मैंने इसमें डेरिवेशन, तो ये सारे डेरिवेशन पूरे चैप्टर, जितने भी यहाँ पे चैप्टर आप लोगों को दिख रहा है, इन सारे चैप्टर के आप लोगों को डेरिवेशन तो करने ही है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि कुछ बच्चों को न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा टफ लगती है, तो जिन बच्चों को अभी न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा टफ लग रहा है, उन बच्चों को न्यूमेरिकल्स कुछ देर के लिए छोड़ देनी है। कुछ देर के लिए आप लोग न्यूमेरिकल्स छोड़ दो। जैसे कि मैंने यहाँ पे डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन बनाया है कि डिफाइन वन कूलम, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को कर लेना है। दूसरी बात ये जो आप लोगों को डेरिवेशन टाइप का लिख रहा है ना, डेरिवेशंस DER डेरिवेशंस, उसके बाद आगे बढ़ता हूं मैं। फिर एक देखो डेरिवेशंस DER, मैंने टिक लगा दिया है सारे क्वेश्चंस पे DER डेरिवेशंस। तो जिन भी क्वेश्चन पे मैंने डेरिवेशंस लिखा है, उन सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को 100% किसी भी कंडीशन पे करनी है। समझ में आ रहा बात आप लोगों को? दूसरी बात ये
कि यार आप लोगों को मैंने एक इंपॉर्टेंट डायग्राम कभी ये पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड किया था, यहाँ पे जाओगे आप लोग, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, डाउनलोड इंपॉर्टेंट ग्राफ एंड डायग्राम, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये वाली पीडीएफ आपकी खुल जाएगी। अब देखो यार, इसमें जितने भी मैंने डायग्राम आप लोगों को बताए हैं वो सारे डायग्राम को आप लोगों को मतलब आपकी क्या बोले जुबान पे रहना चाहिए सारे डायग्राम, ऐसा हो जाना चाहिए। और कोई भी क्वेश्चन सपोज समझ में नहीं आ रहा उससे रिलेटेड अगर आप लोगों को यहाँ पे डायग्राम दिख रही है, अगर वो क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन पे नहीं बनता है तो आप लोगों को डायग्राम किसी भी कंडीशन पे बनानी है। दूसरी बात, ये जो मैंने यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस दिए हैं उन डेफिनेशंस को आप लोगों को याद कर लेना। जैसे कि यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है कि वर्क डन, ये वाली आप लोगों को क्वेश्चन एक्सप्लेन, तो अगर इस चीज को आप पढ़ते हो अभी एक बार भी अगर आप पढ़ लेते हो तो ये चीज आपके जहन पे रहती है और उस चीज को आप लोगों को एग्जामिनेशन पे यूज करना है। मैंने बहुत सारे डेफिनेशंस भी दिए हैं, जैसे कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो पहले उसका मैंने डेफिनेशन लिखा, उसके बाद फिर मैंने उसकी डेरिवेशन की है और इजीएस्ट वे में मैंने डेरिवेशन करने की कोशिश की है ताकि आप लोगों से एग्जामिनेशन पे वो चीजें मिस ना हो। समझ में आ रहा है? तो ये कर लेना आप लोगों को। और तीसरी चीज क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों को करना है। समझ में आ रहा है? जैसे कि मैंने यहां पे दिखा देता हूं आप लोगों को, यह देखो यार मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया, डाउनलोड 200 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इसे आप लोगों को क्लिक करना है तो एक अलग सी साइट आपके सामने यहाँ पे खुलेगी, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को नीचे जाना है, नीचे जल्दी जाओगे, यहाँ पे आप लोगों के लिए देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए होंगे, डाउनलोड 200 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इसे इसके ऊपर आप लोग क्लिक करो। अब देखो जो यहाँ पे ड्राइव जहाँ पे मैंने अपलोड करके रखा है वो आपके सामने खुलेगी और इसमें मैंने कौन कौन से चैप्टर के बारे में आपको कहा था कि आप लोगों को उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं। मैंने इलेक्ट्रोस्टैट के लिए मना किया था तो इलेक्ट्रोस्टैट को छोड़ दो, आगे बढ़ो। कैपेसिटेंस के लिए मैंने मना किया, इसको भी छोड़ दो, आगे बढ़ो। इसके बाद मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी मना किया था, इसको भी छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैंने बोला था मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म का आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करना है। समझ में आ रहा है? सबसे पहले इन क्वेश्चंस को करो। अच्छा, जो अब देखो यार, अब अगर आपके पास समय रहता है तो आप लोगों को करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गई या फिर इलेक्ट्रोस्टैट सारे चैप्टर्स के करने हैं। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि कुछ चैप्टर्स को छोड़ देने के लिए, क्योंकि काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि भैया मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं सारी चीजों को कर पाऊं। तो जिन बच्चों के पास वक्त की प्रॉब्लम है वो बच्चे सिर्फ और सिर्फ उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे, उन चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे जिनकी मैंने मेंशन कुछ देर पहले की थी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो डायग्राम हो गया हमारा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गई हमारी, और हमारा ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में यार कुछ चैप्टर ऐसे हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन चीजों को करना है। पहली चीज तो ये कि डेरिवेशंस आप लोगों को करनी ही करनी है इन एनी कंडीशन। डेरिवेशंस आपने कर लिया, अब करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी एक चैप्टर आती है, देखो यार नीचे करता हूं मैं, ये देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाली हमारी चैप्टर है। तो इस करंट इलेक्ट्रिसिटी वाली चैप्टर में हमारा पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यार मीटर ब्रिज के बारे में मैंने कहा है, ठीक है, ये रहा व्हीटस्टोन ब्रिज, ये आप लोगों को करना है। किरचॉफ्स लॉ के बारे में आप लोगों को पता होनी चाहिए और जो डेरिवेशंस मैंने बताया वो डेरिवेशंस आप लोगों के दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। और ये वाली क्वेश्चंस, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस और रेशियो ऑफ ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल, ये जो मैंने बताया इसे आप लोगों को करना है। हो सकता है कि इससे न्यूमेरिकल्स आए, अगर आपको न्यूमेरिकल्स भी आ रही है, अगर आपको एग्जामिनेशन पे न्यूमेरिकल्स नहीं आ रहा है तो ये आप लोगों को करके जानी है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात ये है तो यार इसमें जब नीचे जाओगे आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दिखेगा। इस चार्ट को आप लोगों को किसी भी कंडीशन पे याद कर लेना, बस इस बात को दिमाग में रखो, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी 3 मार्क्स की क्वेश्चन बस सिर्फ और सिर्फ एक पेज जो मैंने दिया है इस एक पेज से होगी, बाकी आपके ऊपर आप इस चीज को याद करना चाहते हो या फिर याद नहीं करना चाहते हो। समझ में आ रहा है? उसके बाद ये ऑप्टिक्स चैप्टर जो मैंने दिया है, इस ऑप्टिक्स चैप्टर में मैंने नीचे, जब आप नीचे जाओगे, ये देखो मैं नीचे जा रहा हूं, इसमें नीचे जाओ आप लोगों का यहाँ पे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की एक पीडीएफ दिखेगी। ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, सारी चीजें हैं। बस 2 पेज की ये पीडीएफ है और इस 2 पेज की पीडीएफ से मिनिमम 3 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स आपकी एग्जामिनेशन पे आएगी, बाकी आपके ऊपर इसे आप पढ़ना चाहते हो या फिर नहीं पढ़ना चाहते हो। समझ में आ रहा है? तो इस चीज को किसी भी कंडीशन पे भूलना नहीं है, पढ़ के जाना ही जाना है। समझ में आ रहा है? अब हम लोग और नीचे आते हैं, तो ये तो हमारी वेव ऑप्टिक्स खुल गई। वेव ऑप्टिक्स से नीचे जब आप जाओगे तो आपकी ड्यूअल नेचर, और ये देखो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, तो ये चैप्टर को आपको पूरा पढ़ना है, किसी भी चीज को आप स्किप नहीं कर सकते, किसी भी चीज को स्किप मत करना। और ये कुछ क्वेश्चन है, अगर किसी दोस्त से आपके ये क्वेश्चंस बन जाते हैं तो बनावा के इन क्वेश्चंस को, पैटर्न को देख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर हमारी एटम्स एंड न्यूक्लियर, मैंने ये भी चैप्टर बोला था कि आप स्किप नहीं करना, और सेमीकंडक्टर, इन चैप्टर को स्किप आप नहीं कर सकते हो। जितनी भी चीजें मैंने बताई है उन चीजों को करो, आपके एग्जामिनेशन पे आप जितने भी मार्क्स
आप सोच रहे हो, अगर आप 30 सोच रहे हो आपके 40 आएंगे, आप 40 सोच रहे हो आपको 50 आएंगे, आप 50 सोच रहे हो आपको 60 मार्क्स आएंगे। बस इस बात को आप लोगों को ध्यान पे रखना है, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ रेदर देन ऑन योर वीकनेसेस, इस बात को दिमाग में रखना। बस लेता हूं अलविदा, एग्जामिनेशन दिन पे आना, खुश होकर आना। और हाँ, जितनी भी मैंने चीजें बताई हैं वो चीजें इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं गारंटी तो नहीं ले सकता क्योंकि हर बच्चों की दिमाग अलग अलग होती है, बट मैं ये पक्का कह सकता हूं कि इनसे ही बहुत सारी चीजें मैच करके आएगी। एग्जामिनेशन भी आप लोग तोड़ के आना, फोड़ के आना, सबको पीछे छोड़ के आना। लेता हूं अलविदा, मिलेंगे अगले सप्ताह और एक एजुकेशन वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।